वेलकम बैक टू माय चैनल। और सर्दियां शुरू हो गई हैं और जो भी गार्डनर लवर हैं तो उनको एक टेंशन ये शुरू हो गया होगा कि हम अपने प्लांट की केयर कैसे रखें, उसको किस तरह से देख रेख करें कि और संभाल के रखें कि वो पौधे हमारे साथ बने रहें। तो मौसम शुरू होने पर, सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है तो एकदम से मौसम बदल जाता है और हमारे यहाँ कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है। तो इस तरह से जो भी हमको अपने प्लांट की केयर करना है तो वो देखना कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, तो वो किस तरह का है। तो प्लांट में सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, यदि हम थोड़ी सी भी केयर करते हैं, थोड़ी सी देखरेख करते हैं तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, यदि उनको आप फॉलो करते हैं तो सोचिए कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएगा और आराम से ग्रो भी करेगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो होता है तो सर्दी के मौसम में गर्माहट कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी जो है तो काफ़ी टाइम तक उसमें मॉइस्चर बना रहता है, वो गीली बनी रहती है। इसलिए कभी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो मिट्टी होती है तो उसमें मॉइस्चर बना रहता है और यदि हम पानी कंटिन्यू देते जाते हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं तो वो गलने लगती हैं और जिसके कारण कि प्लांट खराब हो जाता है। क्योंकि सर्दी में आप देखते हैं कि गर्माहट कम होती है, मिट्टी उतने अच्छे से नहीं सूख पाती है, तो इसको कम मात्रा में पानी दीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि 1.5 से 2 इंच की यदि हमारी मिट्टी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, हाथ से उसको हमको देख लेना है कि 1.5 से 2 इंच करीब की मिट्टी को जो है तो वो ड्राई होना चाहिए, तभी हमको उसमें पानी देना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की मिट्टी होना चाहिए कि चलिए आपको अपना एक प्लांट दिखाते हैं कि किस टाइम पे पानी हमको देना है। जैसे ये एक हमारा मनी प्लांट है, आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी जो है तो इस तरह से ड्राई है, तो इसको हमको देख लेना है कि 1 से 1.5 इंच तक यदि ये ड्राई बनी हुई है तभी इसमें हमको पानी देना है। आप देख सकते हैं कि मिट्टी इसमें इस तरह से ड्राई है, लेकिन इसमें नई लीव्स निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं ये, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसको जो है तो हमने कटिंग से ही लगाया है। तो बस इसमें किसी भी प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जो है तो वो है सनलाइट। हर प्लांट की ज़रूरत जो है तो वो सनलाइट होती है, धूप की ज़रूरत हर प्लांट को होती है, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे कोई भी प्लांट हो, तो उसको कहना चाहिए धूप की ज़रूरत होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो इंडोर प्लांट हैं तो उनको अंदर रखें तो वो ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको कुछ समय के लिए धूप दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस वगैरह भी होती रहती है, क्लोरोफिल वगैरह का बनना होता है, तो इस कारण से हर प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है तो धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस टाइम तो आप जानते हैं कि फ्लावर के बहुत सारे प्लांट आते हैं, बहुत एक से एक वैरायटी के प्लांट होते हैं, बहुत रंग बिरंगे और बहुत खूबसूरत प्लांट जो होते हैं तो फ्लावर के होते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि फ्लावर जो भी प्लांट फ्लावर के हैं तो उनको धूप की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, बिना धूप के फ्लावर जो है तो वो नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ जो इंडोर प्लांट हैं तो उनको भी 2 से 3 घंटे तक के लिए कम से कम 2-3 दिन में धूप को दिखा दीजिए। और यदि अंदर रखे हुए प्लांट भी हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधेरे वाली जगह पर प्लांट रखे हों, उनको तेज़ रोशनी यदि मिलती रहे तब भी ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि उसको कम से कम नहीं तो 2-3 दिन में उनको धूप दिखाना ज़रूरी अगला जो है कि यदि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो कभी भी आप उसमें फर्टिलाइज़र ना दें। हाँ, कभी कभी आप लिक्विड दे सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तीसरी बात जो है और काफ़ी ज़रूरी बात है कि हमको अपने प्लांट में गुड़ाई ज़रूर करना है। गुड़ाई मतलब कि आपकी जो मिट्टी है तो उसको ऊपर नीचे कर देना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है तो ऊपर नीचे हो जाती है और जिसके कारण कि उसमें जो एयर वगैरह है तो जड़ में अच्छे से पहुँच जाती है, नहीं तो मिट्टी क्या होती है कि ठोस हो जाती है, जिसके कारण कि जो भी एयर है तो अंदर रूट्स तक नहीं पहुँच पाती है
और रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। तो इस कारण से प्लांट्स में गुड़ाई जरूर करना है, 8 से 10 दिन में एक बार गुड़ाई करना ही है। इससे जो होता है तो रूट्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, एयर वहां तक पहुंचती है, जिससे कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो चलिए देख लीजिए कि हमको गुड़ाई किस तरह से करना है, और 8 से 10 दिन में आप एक बार गुड़ाई कर सकते हैं। इस मौसम में जो है तो फंगीसाइड्स का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इस टाइम पे फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। और साथ ही यदि कहना चाहिए कि ओवर वाटरिंग हो जाती है या किसी कारण से रूट्स हमारी गलने लगती हैं तब भी फंगस लग जाती है, तो इनके मिट्टी में और साथ में प्लांट्स पे भी स्प्रे करें। तो इस तरह से फंगीसाइड्स का यूज़ भी ज़रूर करें। और आपको बता दें कि जितने भी सकलेंट प्लांट हैं, जैसे कि जेट प्लांट वगैरह हैं या कुछ दूसरे प्लांट हैं, तो इनको क्या है कि कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप दिखाना ज़रूरी होता है। और यदि नहीं है तो तेज़ रोशनी में आप अंदर भी इनको रख सकते हैं और ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बस उतना ही दें जितनी इनको ज़रूरत है। और कहना चाहिए कि कम पानी में भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। हाँ, रोशनी की बात है तो इनको तेज़ रोशनी में यदि अंदर रख रहे हैं तो तेज़ रोशनी में रखें। इस तरह से विंटर में हम अपने प्लांट की केयर कैसे करें, आज मैंने आपको ये बताया। और यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि समय समय पर मेरे जो वीडियो ब्लॉग की नोटिफिकेशन है तो वो समय समय पर आपके पास पहुँच जाएगी। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग या वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। थैंक यू।